खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल शुक्रवार को राजधानी रायपुर के होटल शगुन फार्म में आयोजित चेस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी के बी कैटेगरी चैलेंजर्स वर्ग के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने विजेताओं को चैलेंजर्स ट्रॉफी और चेक देकर सम्मानित किया। चैलेंजर्स वर्ग में ओवरऑल विजेता तमिलनाडु के आर यू अरुण एवं उप विजेता महाराष्ट्र के श्रेयन मजुमदार रहे। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार, रायपुर नगर पालिका निगम के महापौर एजाज ढेबर, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा, छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंघानिया एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शतरंज खिलाड़ी सुश्री किरण अग्रवाल मौजूद थी। 19 सितंबर से शुरू हुए छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स चेस टूर्नामेंट में चैलेंजर्स कैटेगरी स्पर्धा का फाइनल मैच शगुन फार्म वीआईपी रोड में खेला गया। मुख्य मैच में तमिलनाडु के अरुण आर यू प्रथम, महाराष्ट्र के मजुमदार श्रेयन दूसरे स्थान पर रहे। इसके साथ ही 1800 से 1400 तक रेटिंग में बिहार के रियान प्रथम, महाराष्ट्र के अंश नंदन नेरूरकर दूसरे और उत्तर प्रदेश के अजय संतोष पार्थव रेड्डी तीसरे स्थान पर रहे। वहीं 1400 से जीरो रेटिंग कैटेगरी में झारखंड के अधिराज मित्रा प्रथम, तमिलनाडु के संतोष आर दूसरे और तेलंगाना के रोहित एन तीसरे नंबर पर रहे। सभी खिलाड़ियों को इनामी राशि देने के साथ ही शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर खेल मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने के लिए भूपेश सरकार बेहतर कार्य कर रही है। बीएसपी जैसे उद्योगों को खेलों की सारी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। यहां आयोजन चेस जगत से जुड़े खिलाड़ियों के लिए स्वर्णिम अवसर है। वे इस आयोजन को बेहतर तरीके से करवाने के लिए छत्तीसगढ़ ओलंपिक और चेस संघ को बधाई देते हैं। वहीं महापौर एजाज ढेबर और विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा ने भी इस आयोजन की सराहना की। बहुत अच्छा आयोजन है चेस के एक माहौल बनाने के लिए। एक चैलेंजर ट्रॉफी जो आज इसका समापन हुआ है और बहुत जल्दी ग्रैंड मास्टर जो ट्रॉफी है उसका भी समापन होगा। और अभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते समय जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे इसको जीते हैं तो बहुत खुशी हो रही थी उनको देखकर। और ये लग रहा था कि आने वाले समय में चेस में हिंदुस्तान का भविष्य बहुत उज्जवल है। और आज इसकी क्लोजिंग हो रही है। मैं सभी खिलाड़ियां जो जीते हैं उनको बहुत बहुत बधाई और जो हारे हैं उनको और भी ज़्यादा बधाई, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जरूर जो हार के जो जीतता है उसी को बाजीगर कहते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो हारा होगा वो कुछ ना तो कुछ सीखा होगा। लेकिन जो लोग जीते हैं इस चेस टूर्नामेंट में उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और जो किसी कारण से जीत नहीं पाए जो हार गए उनको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस प्रतियोगिता के बारे में छत्तीसगढ़ चेस संघ के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंघानिया ने कहा कि इसमें 5 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के खिलाड़ी ने एक दूसरे को मात करने के लिए खेल दिखाया। इस आयोजन में सभी तरह की सुविधाएं दी गई, सबको खेलने लायक माहौल दिया गया। सभी इस टूर्नामेंट के विजेताओं को बधाई देता हूं, और जो प्लेयर्स इसके विजेताओं को जो उन्होंने जो कड़ी टक्कर दी है उसके लिए उन्हें बधाई देता हूं, और प्लेयर्स के पेरेंट्स जो इतनी दूर दूर से यहां आए और पूरी तरीके से उनके साथ उन्हें प्रोत्साहित करते हुए इस गेम में और हमें भी जो हिम्मत दी उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और आगे इसी तरीके से हम ये टूर्नामेंट करते जाएं उसके लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। चैलेंजर्स के मुख्य स्पर्धा में प्रथम स्थान पाने वाले तमिलनाडु के अरुण आर यू और दूसरे स्थान पर रहे महाराष्ट्र के मजुमदार श्रेयन ने बताया कि उन्हें अन्य जगहों की अपेक्षा बेहतर खेल खेलने का माहौल मिला। खाने पीने से लेकर रुकने समेत अन्य सभी व्यवस्थाएं काफी अच्छी रही। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी जो है आज चैलेंजर्स के फाइनल मैच खेले गए, उनमें जो विनर रहे उनसे हम चर्चा करते हैं और जो सेकंड विनर रहे उनसे भी बात करते हैं कि ये आयोजन किस तरह का था, क्या लगा आपको देखते? बहुत, मैं पहले बार आया छत्तीसगढ़, बहुत अच्छा था ऑर्गेनाइजेशन, खेलने में मजा आया, गेम्स टफ थे लेकिन खुशी हुआ।
अब छत्तीसगढ़ आए, आपने अच्छा बेहतरीन मैच खेला, आप प्रथम विजेता रहे आपके उसमें, अब विनर रहे, तो कैसे आपने फील कर, क्या महसूस किया? इट वॉज अ ग्रेट टूर्नामेंट प्लेइंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, सो यू नो दे आर ऑर्गेनाइजिंग दिस टूर्नामेंट आफ्टर आई थिंक 13 इयर्स और समथिंग, सो इट्स अ ग्रेट एफर्ट एंड या इट वॉज इन ईजी रियली, या ऑल द राउंड्स वर टफ एंड या रियली हैप्पी दैट आई वन द टूर्नामेंट। ये माहौल को कैसे देखा, क्या लगा खेलने का, आपका माहौल रहा आने जाने के पूरे सारे? बहुत ही अच्छा था माहौल, तो बेहतरीन था, हमका होटल भी बहुत अच्छा था, ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैं बोला बहुत अच्छा है, हॉल भी बहुत, मतलब बहुत एज ग्रुप के थे, छोटे बच्चे से बड़े लोग थे, टफ टूर्नामेंट था लेकिन मजा आया खेलने में। आपने क्या छोटे बच्चों के साथ खेला है? हाँ बहुत सारे, जितना छोटे आजकल उतना अच्छे खेलने लगते हैं, आजकल के बच्चे बहुत डेंजरस है। पढ़ाई होगी आप, और आने वाले समय में आप अच्छे और जहाँ टूर्नामेंट हो उसमें विनर बनते रहें, और ग्रैंड मास्टर और जो इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर और सारे खिताब आपके नाम हो। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरा मैन अभिषेक चलाने के साथ ब्रिज।